सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के सेकंड T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है सलीम स्पार्टन्स और चेपक सुपर गिल्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच का पूरा अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 13 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बतूर इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम सलीम स्पार्टन्स की बात करें तो जहां पर सलीम स्पार्टन्स 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम चेपक सुपर गिल्स की बात करें तो जहां पर चेपक सुपर गिल्स 5 के 5 मैच अपना जीत के आ रही है। तो ये रहे दो टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर चेपक सुपर गिल्स 4 मैच से आगे चल रही है। अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहां पर सलीम स्पार्टन्स 5 मैच जीत के आ रहे हैं, तो वहीं चेपक सुपर गिल्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे सलीम स्पार्टन्स का 20% देखने को मिल रहा है, तो वहीं चेपक सुपर गिल्स का 80% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां पे सलीम स्पार्टन्स का 122 है, तो वहीं चेपक सुपर गिल्स का 151 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सलीम स्पार्टन्स का 149 है, तो वहीं चेपक सुपर गिल्स का 203 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सलीम स्पार्टन्स का 87 है, तो वहीं चेपक सुपर गिल्स का 106 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में भी चेपक सुपर गिल्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच में वेदर कैसी रहेगी, मौसम पूरी तरह क्लियर आने वाली है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 39.4 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 66% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है। इस पिच पर अभी तक टोटल 10 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच के सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीतते बैटिंग करते तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर डिफेंस में काफ़ी अच्छा रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में इस पिच पर रन थोड़ी सी कम सकती है। अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पर 159-160 रन में भी जा सकते हैं। इस पिच पर देखें तो सेकेंड इनिंग में 134-140 रन में भी जा सकते हैं। तो सेकेंड इनिंग में इस पिच पर देख सकते हैं कि रन कम जा रही है। तो जो भी टीम अगर टीम के लिए प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बैटिंग चूज करे। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम सलीम स्पार्टन्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है। पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। उम्मीद है कि इस सीजन में काफ़ी अच्छा दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दूसरी टीम चेपक सुपर गिल्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। अगर पिछले सीजन की बात करें तो पिछला सीजन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगर बैटिंग और बॉलिंग देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटिक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वही बैटर्स स्ट्रगल करेंगे ब्रियेबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सलीम स्पार्टन्स के की प्लेयर की बात करें तो कौशिक गांधी, अमित साथविक, गणेश मूर्ति, गौरी शंकर। वहीं दूसरी टीम चेपक सुपर गिल्स के की प्लेयर की बात करें तो नारायण जगदीशन, हरीश कुमार, साई किशोर के साथ। ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए चेपक सुपर गिल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।